नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बड़ी खबर के साथ इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। हमने आपको इससे पहले दिखाया है कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार के 10 दलों की टीम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए थे। हालांकि मीटिंग जो है अभी समाप्त हो गई है और तमाम जो लोग अंदर गए थे वो बाहर आ चुके हैं। और बाहर आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले पर पत्रकारों के सामने बात रखी है। हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने अपनी बात जो है हमारी बात जो है वो सुन ली है और उस पर प्रतिक्रिया देने की बात कही है। हम आपको सुनवाते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों की का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे, और अभी जो एक बार आ गया था सरकार की तरफ से, एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ। सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में, नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए, तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही, हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए, हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 13 तारीख 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया, इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। स्टैंड है 20 जुलाई 2021 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जाति जनगणना नहीं होगी, राज्यमंत्री के हवाले से किया है, उसी के आधार पर आप यहाँ मिले हैं। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए अभी अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा।